आज मेरे घर मेरी छोटी सिस्टर आ रही थी और उसकी और मेरी शर्त लगी थी। वो बोली कि आज तुम मुझे कुछ ऐसी सब्जी बना के खिलाओ जिससे मैं 2 रोटी ज़्यादा खाऊंगी और तभी मैं तुम्हें मानूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं गई झटपट से किचन में। मेरे फ्रेंड और कुछ तो है नहीं, मटर ही है, तो चलिए मटर की सब्जी बनाते हैं। और जब मैंने सब्जी बनाई तो सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत चटकारे लगा के खाई और मेरी बहुत तारीफ की। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी फ्रेंडों के साथ भी शेयर की जाए, आपको भी पसंद आए। हाय फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ रेखा और रेखा की रेसिपी में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मटर की सब्जी, जो बहुत मज़ेदार सब्जी बना के तैयार की है। और सर्दियां हैं तो सर्दियां में हरे मटर आते ही हैं, तो क्यों ना हम हरे मटर की बहुत टेस्टी और एक थोड़ा अलग तरीके से बनाई है। और देखिए कितनी टेस्टी सब्जी है कि आप 1 रोटी ज़रूर ज़्यादा खाने वाले हैं। और चलिए आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और चलते हैं अपने किचन की ओर। गैस पे भगोना चढ़ा दिया है, पानी को गर्म कर लिया है और ये मैंने 500 ग्राम के करीब मटर लिए हैं। और पानी में हम मटर गिर देते हैं और बस एक उबाल आने तक हम अपने मटर को उबालेंगे कि हमारे मटर देखिए धीरे धीरे करके सब ऊपर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, उबाल आ चुका है और मटर हमारे धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। और ज़्यादा हमें उबालना नहीं है, अब सारे मटर को हम निकाल लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने ये 4 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं जो हमने ऐसे काट ली हैं और इनको बीच में से इनके छिलके ऊपर से हटा दिए हैं। देखिए हमने किस तरीके से हटाए हैं। और 4 काजू लिए हैं जो हमने गर्म पानी में रख दिए थे। ये कुछ लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। 4 टमाटरों को काट के और मिक्सी जाल में हम गेर देते हैं। तो हमने 4 टमाटर गेर लिए हैं और ये हमने जो है काजू लिए थे ये भी हम गेर देते हैं और जो हरी मिर्च है वो भी गेर देते। अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। इस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें हमने 1.5 चम्मच के करीब बड़े वाले चम्मच से हमने सरसों का ऑयल गिरा है। ऑयल हमारा हो चुका है फ्रेंड और इसमें हमने 2 खड़ी लाल मिर्च गिर दी है, 1 तेज पत्ता गिरा है। मिर्चा का कलर थोड़ा सा बदल चुका है और जो हमने प्याज रखी थी अब हम अपनी प्याज इसमें गिर देते हैं। प्याज को हम चलाते हुए और हल्का ब्राउन कर लेते हैं, मतलब हल्का ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है हमें। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और ये लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था इसको हम गिर देते हैं और थोड़े से कुछ सेकंड के लिए हम इसको भी भून लेते हैं अपने तेल में। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी कुछ सेकंड के लिए हमने भून लिया था। और अब हमने जो ये प्यूरी बना के रखी थी मिर्चा और काजू और टमाटर की, इसको भी हम इसमें गेर के, और हमें इसे तो अच्छे से भूनना है फ्रेंड, क्योंकि इसको जब तक हम अच्छे से नहीं भूनेंगे तो टेस्ट सब्जी में अच्छा आएगा ही नहीं। तो इसको हम पहले 2-3 मिनट के लिए इसे भूनते हैं। अब आती है इसमें मसालों की बारी। तो 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें मिर्चा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक, आप अपने स्वाद अनुसार गिरिएगा। और अच्छे से मसालों को चला के हम अपने मसालों को भून लेते हैं। फ्रेंड मैं इसमें हल्दी गिरना भूल गई और किसी को पता भी नहीं। सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि किसी को पता ही नहीं चला। और आप तो ज़रूर गिरिएगा, हल्दी पाउडर गिर लीजिएगा 1/2 टीस्पून। और हमने मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लिया है और अब हमारे मसाले अच्छी सी खुशबू आ गई है। अब हमने जो बॉईल किए थे मटर अब उनको हम गिर देते हैं और अच्छे से हमें 1 मिनट के लिए अपने मटर और मसाले को अच्छे से भूनना है चलाते हुए, जिससे कि हमारे मटर भी अच्छे से भुन जाए। तो हम 1 मिनट अपने मटर और मसाले को भून लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमने मटर और मसालों को भून लिया था। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ पानी गिरते हैं 1 ग्लास के करीब। आप अपने हिसाब से गिरिएगा, जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैंने इसमें कम ही गिरा है। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। और फ्रेंड अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कैसी लगी रेसिपी ये ज़रूर बताइएगा आप, अच्छी लगे तो अच्छी, बुरी लगे तो बुरी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी तो बन ही चुकी है। तो बन गई है सब्जी और चला के देखते हैं तो देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड, यकीन करिए। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा बना के, और बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। आप रोटी, पराठे, चावल किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। और धनिया की पत्ती ऊपर से गेर के और परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए मेरे मुँह में तो आ रहा है पानी, आप भी खाइए बना के। थैंक यू फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए।